कि सारा जब भी किसी को जो जरूरत हो आके बैठे एक दूसरे से डिस्कशन करें कि किसको क्या कमी है, किसको क्या दिक्कत है और उसको उसका दिक्कत को पूरा किया जाएगा। क्योंकि हम लोग एक जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टी जो एक परिवार होता है, परिवार में क्या होना चाहिए, एक परिवार कैसे चलता है उसको आप लोग सोचिए। परिवार कैसे चलता है तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि परिवार में सबसे बड़ी होते हैं डिसिप्लिन। जिस परिवार में डिसिप्लिन हो, संस्कार हो, उस परिवार इतना आगे जाता है इसका कोई हिसाब नहीं। आज राष्ट्रीय जनता दल का जो हम लोग विशेष रूप से जो बैठक बुलाए हैं उसका मेन मकसद था कि हमारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो कि यहाँ 77 दिन से जो लॉकडाउन में जो कोरोना की महामारी में हम लोग जो चला रहे थे यहाँ शिविर अपने परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पे और प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अभय जी के नेतृत्व में और युवा के नेतृत्व में जो शिविर चल रहा था, इसमें जो हमारे कार्यकर्ता या पदाधिकारी योगदान दिए उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनके लिए और शब्द नहीं है जितना जो उन्होंने योगदान दिया, अपने दिन रात मेहनत किए, दिन रात दोनों टाइम। जब शिविर स्टार्ट हुआ था, जिस दिन स्टार्ट हुआ हम अपने अभय भाई से बात कर रहे थे कि देखिए ये हम लोग को लंबा चलाना है और कैसे चलेगा, हम लोग को लगता है कि कुछ विशेष कैटर को बुलाना होगा जो कि कैटर चला पाएंगे या दोनों टाइम चलाना है। तो उस समय हम लोग ने देखा, यही सोच रहे थे, लेकिन हम लोग जब ये सोचे कि चलो चलाते हैं इसको कैसे चलता है, तो उसके बाद से जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ योगदान दिए आके, अपना जो मेहनत दिखाए, अपना जो एगो जज्बा था उनमें सेवा करने का उसको दिखाए, उसको देख के काफ़ी ही हम लोग प्रसन्न हुए और हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का ऊर्जा मिल गया उसको। रांची में तो RJD हम जिला अध्यक्ष होने के नाते मजबूत करने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी हम माइनॉरिटी में थे, युवा में थे और मेन कमेटी का भी दायित्व दिया गया है। 18 प्रखंड मेरा पूरा प्रखंड अध्यक्ष बनाया हुआ है, जिला कमेटी भी पूरा फॉर्म किया हुआ है। 18 प्रखंड में से कुछ हम जो पहले था उसमें से रिन्यूअल किए थे, उसमें से कुछ निष्क्रिय उसको हटाएंगे। लगभग अभी 14 प्रखंड तो मेरा एकदम बिल्कुल एक्टिव है। अल्पसंख्यक जो है ये रीढ़ माने जाते हैं। RJD के समीकरण जो है RJD का या माई समीकरण है उसी पर RJD टिका हुआ है। अल्पसंख्यक शुरू से लालू जी के साथ हैं और अल्पसंख्यक आज भी इतने लोग आए गए लेकिन आज भी लालू जी पर पूरा यकीन करते हैं। और जो भी अपना प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग पब्लिक के बीच रहते हैं, कोई भी मैटर होता है, आज ही जो शिविर चला, अभी जो हम लोग का शिविर चला लॉकडाउन के दरमियान, तो उसमें हर लोग यही बोलता था कि किसी तरह आप लोग थोड़ा मेहनत करके पार्टी को और जिताइए। अभी एक MLA है, एक मंत्री है आपका पार्टी का, आप लोग पार्टी और मेहनत थोड़ा सा करके हम लोग को सब जुड़ेंगे। आप जुड़े तो है ही हैं, लेकिन कुछ लोग इधर उधर बीच में ये हुआ था, संगठन में भी कुछ कमज़ोर हुआ था बीच में, इसमें हम इतराफ़ करते हैं कि बीच में संगठन कमज़ोर हुआ था, लेकिन ये शिविर लगने के बाद से ही बहुत अच्छा मैसेज गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।